हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम स्टडी आईक्यू पर। आज है 7 अगस्त 2020 और हम आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम डाला गया था, जिसमें लगभग 70,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं लोगों की याद में वह विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए और परमाणु ऊर्जा व हथियारों के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना लॉन्च की गई है? तो यह हरियाणा राज्य सरकार द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना लॉन्च की गई है। और इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे, जिसमें कि हर महीने 6 पीस पैकेट 1 साल तक मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के हाईकोर्ट को चंडीगढ़ हाईकोर्ट कहा जाता है, जो कि पंजाब व हरियाणा का संयुक्त हाई कोर्ट है और उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रवि शंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी को कितने महीने का पद विस्तार दिया गया है? तो इन्हें 18 महीने का पद विस्तार दिया गया है। बात हुई है सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक योजना की शुरुआत की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत बीड़ी बनाने में उपयोग किए जाने वाले तेंदू के पत्ते के व्यापार में लगे परिवारों के मुखिया को यदि कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट को बिलासपुर हाईकोर्ट कहा जाता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इकर कैसिलस ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्पेन देश के खिलाड़ी इकर कैसिलस ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये है इकर कैसिलस और ये स्पेन के प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, जिन्हें 5 बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होने का खिताब भी हासिल है। बात हुई है स्पेन की, तो स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज और राष्ट्रपति है पिल्लर लो और स्पेन की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह है मनोज सिन्हा और इन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। बात हुई है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो कि मई से और अक्टूबर तक होती है और दूसरी राजधानी है जम्मू, जो कि नवंबर से अप्रैल तक होती है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चार्ल्स क्यू ब्राउन को किस देश का पहला अश्वेत वायुसेना प्रमुख बनाया गया है? तो
अमेरिका की वायुसेना के पहला अश्वेत वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। यह है चार्ल्स क्यू ब्राउन और इन्हें ही अमेरिका की वायुसेना का पहला अश्वेत प्रमुख बनाया गया है। बात हुई अमेरिका की, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्राइड ऑफ पंजाब नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो यह पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा प्राइड ऑफ पंजाब नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पंजाब के युवाओं के लिए सर्वोत्तम अवसरों को सक्षम बनाना व युवाओं को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करना और यह कार्यक्रम यूनिसेफ की पहल पर पंजाब खेल और युवा सेवा विभाग व युवा है द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। बात हुई है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ जो कि और हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और पंजाब के हाईकोर्ट को चंडीगढ़ हाईकोर्ट कहा जाता है जो कि पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाईकोर्ट है और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं रवि शंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर बंगस आवाम मेला का आयोजन किया गया है? यह जम्मू कश्मीर में बंगस आवाम मेला का आयोजन किया गया है और यह आयोजन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन में प्रवेश प्राप्त किया है? तो यह सुमित नागल द्वारा यूएस ओपन में प्रवेश प्राप्त किया गया है और ये हैं सुमित नागल और ये भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्हें ही यूएस ओपन में प्रवेश प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बने हैं? तो यह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान इयॉन मॉर्गन सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान बने हैं और इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और यह रिकॉर्ड एमएस धोनी द्वारा 332 मैचों में बनाया गया था लेकिन इयॉन मॉर्गन ने यह रिकॉर्ड सिर्फ 163 मैचों में ही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो यह मालदीव देश के लिए, अपने देश भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। अब यह विस्तार किया क्यों है? तो यह विस्तार मालदीव की औद्योगिक मछली पालन कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए इस लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। बात हुई है मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी है माले, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो है मोथोन फिल्म को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है और यह फिल्म एक मलयालम भाषा की फिल्म है और इसे ही न्यूयॉर्क इंडियन फेस्टिवल 2020 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया है? तो है निविन पोली को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया है और निविन पोली द्वारा मोथोन फिल्म में मुख्य अभिनेता का किरदार निभाया गया है और इसी के लिए इन्हें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया है। अब ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किसने फिट इंडिया टॉक्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो है हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा संयुक्त रूप से
फिट इंडिया टॉक्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में कहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM की स्थापना की गई है। यह है चार ऑप्शन और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इन क्वेश्चंस में यानी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।